नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। यूपी में विकास के दावों की एक बदरंग तस्वीर कौशाम्बी जिले से है, जिसमें करोड़ों की लागत से बना एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के इलाज से पहले ही बदहाल हालत में पहुंच गया। नेवादा ब्लॉक के कनेली में बना यह अस्पताल गरीब लोगों की जरूरत को देखते हुए बनाया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अस्पताल से एक भी दिन मरीज को दवा तो मिलना दूर, अस्पताल आज भी स्वास्थ्य महकमे को हैंडओवर तक नहीं हो पाया। बीएसपी सरकार में साल 2012 में तत्कालीन बीएसपी नेता और खेल मंत्री आरके चौधरी के अथक प्रयासों के बाद शासन से इसे स्वीकृति मिली थी, लेकिन 2013 में सपा सरकार के आने के बाद इसका काम शुरू करवाया गया। 30 बेड का यह अस्पताल एक साल के बाद सितंबर 2014 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन गुणवत्ता के चलते अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाया। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने न्यू पीएचसी के भवन की गुणवत्ता को मानक के अनुरूप होने पर ही टेकओवर करने की बात कहकर अस्पताल शुरू करने से पहले ही मना कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीएन चतुर्वेदी बताते हैं कि इस अस्पताल को बनाने में दीवारों का प्लास्टर, जमीन और छत का निर्माण बेहद ही घटिया सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिससे बिल्डिंग विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाए। जो है अस्पताल बनी हुई, कभी चालू हुई है ये? हमारे चालू है, जब से बनी तब से कोई बैठा ही नहीं है। तो अभी इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप लोग? कमाल अस्पताल है, बाहर दूर। हाँ, दूर। अगर ये चालू हो जाए तो कितनी सुविधा मिलेगी? बहुत बढ़िया सुविधा हो जाए, भला बताओ। उसमें ऐसा है कि बिल्डिंग अभी हैंडओवर हुई नहीं है, और मुझे ये ज्ञात हुआ है कि जो बिल्डिंग बनी थी उसमें भी खिड़की दरवाजे लोग उठा ले गए हैं। तो फिलहाल अभी कनेली ग्राम में जो सब सेंटर हमारा चल रहा था, वहाँ पर हमारे डॉक्टर और स्टाफ लोग रह करके न्यू बीएससी से संबंधित सारी सुविधाएं पब्लिक को उपलब्ध करा रहे हैं। कौशाम्बी में बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के लिए ट्वीट किया। बीजेपी सांसद ने शिकायत की है कि बिजली विभाग के कर्मचारी पैसे की मांग करते हैं, यानी कि सांसद ने रिश्वतखोरी का सीधा आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि अजरौली और देवीगंज गांव में पिछले 20 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, विद्युत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बिजली विभाग के जेई का नंबर हमेशा बंद रहता है। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर ऊर्जा मंत्री से कार्रवाई की मांग की। यूपी के हमीरपुर जिले में बाढ़ का प्रकोप दिखाई देने लगा है। मुख्यालय के कुछेचा के पास से ही जुड़े हुए सिडरा गांव में बाढ़ का पानी घुसाया, जिसके कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। बाढ़ के कारण कुछ लोगों के मकान भी ढहे हैं। लोगों के सामने रहने और खाने पीने का संकट भी पैदा हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश के चलते माता टीला बांध से पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया है, साथ ही यमुना नदी में भी पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते मुख्यालय से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर उफान पर है। सर, इधर बहुत समस्या है और कम से कम 20 घर डूबे हुए हैं, और इसके बाद में डीएम साहब परसों नरसों सूचना दिया था, कोई व्यवस्था नहीं। इधर रोड में पड़ी है जनता और बच्चे छोटे छोटे, और बारिश का मौसम है, बारिश भी चल रही है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें प्रेमिका से मिलने गए युवक को आग लगा दी गई। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते पहले युवक की पिटाई की गई और उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस युवक को जिला अस्पताल ले गई, जहां पर उसे भर्ती करवाया गया और वहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया। वह इस घटना की सूचना मिलते ही युवक की बीमार मां को सदमा पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। इस मामले की फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। कैसे क्या चल गया? थोड़ा कुछ कहते हैं, इसी बात पर उन्होंने पकड़ के हमें मारा, कमरे में बंद कर दिया, धीरे पेट्रोल डाला, रोड के लिए भी नहीं। इसको रास्ते में इन लोगों ने पकड़ लिया, राधे शिवानी डाली, सत्यम सिंह, शिखर सिंह, इन लोगों ने उसको बहुत मारा पीटा, पेट्रोल डाल के जला दिया। फिर 100 नंबर आई, 108 नंबर उसको ला के यहाँ हरदोई लाई सरकारी अस्पताल, उसको यहाँ भर्ती कराया गया। उसकी माँ पहले से बीमार थी 4-5 दिन से। कल रात में 1:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली 100 नंबर पे कि भदेचा गांव में एक मुरू नाम का लड़का है, जिसको जो जली हुई अवस्था में वहाँ पाया गया है। इस सूचना पर डायल 100 की गाड़ी वहाँ पहुँची, उन्होंने वहाँ से उस लड़के को गाड़ी में लाद करके और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करा दिया गया। तो घटनाक्रम के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि मुन्नू कल राधे श्याम गुप्ता जो प्रतिवादी हैं उनके घर में
उसको जलाया गया था। और घटना के बैकग्राउंड में और छानबीन करने से पता चला कि 6 साल पहले राधेश्याम गुप्ता की भतीजी के साथ मोनू का कोई प्रेम प्रसंग था, जिसके चक्कर में वो पहले भी वो लोग एक बार गायब हो चुके थे, लेकिन तब उनको रिकवर करके ले आया गया था। रायबरेली में जिंदगी एक प्राथमिकता फाउंडेशन ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला आत्महत्या रोकने के लिए तनाव मुक्त रहने के विभिन्न तरीकों को समझाने के लिए आयोजित की गई। संस्था ने इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें पुलिस कर्मियों, कैदियों और विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के उपाय सिखाए गए। काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि डेली न्यूज़पेपर में कोई ना कोई सुसाइड को लेके आता है कि पुलिस कर्मी भी आजकल डिप्रेशन में आके या तो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से या किसी भी तरीके से अलग अलग तरीकों से सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो वो सुसाइड एक समाज के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसको हम किसी न किसी तरह से वर्कशॉप के थ्रू काउंसलिंग करके मेंटरिंग करके हम चाह रहे थे कि इस पर हम डिस्कस करें और इनको तनाव मुक्त रहने के जो हम टिप्स बता सकते हैं हम वो बताएं इनको, ताकि कभी जीवन में इनको इस लेवल पे तनाव हो तो वो उस तनाव को कैसे कम करें और कैसे सुसाइड जैसी समस्या से बच सकते। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। इलाज करवाने आए युवक को पेट में दर्द होने पर इंजेक्शन लगने के कारण उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने जगतपुर सीएचसी में जमकर हंगामा किया। दरअसल जगतपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यक्ति का इलाज चल रहा था। इंजेक्शन लगने से व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत करवाया। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है। कौन ये हमारे मित्र थे, क्या हुआ? सुबह पेट में दर्द हुआ, उसके बाद ये अस्पताल में गए, वहाँ डॉक्टर साहब को बताया कि हमारे पेट में दर्द है, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया, इसकी तत्काल वहाँ मौत हो गई, 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी मौत हो गई। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।